الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزيه له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे दीन भाइयों, ये तरबियती मजलिस जो है उसका आज आखिरी दिन है और ये आखिरी मजलिस और इसके दो हिस्से हैं। अभी थोड़ी देर में तैयार होकर जिक्र की मजलिस होकर दुआ करेंगे, उसके बाद फिर फौरन ईशा की नमाज पढ़ेंगे। ईशा की नमाज के बाद एक दूसरी मजलिस होगी, इसमें हमारे बाहर से आए हुए उलमा 5 से 7 मिनट अपने अपने तासुरात बयान करेंगे। तकरीबन 20 उलमा ने टिकट बनवाया था यहाँ के लिए, 20 बड़े बड़े उलमा ने, खुद माना इफाद साहब भी आने वाले थे बंगाल से, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, लेकिन दारुण दौलत ने ऐलान कर दिया रामदे गदारिश के जलसों का, तो इसलिए सब उधर चले गए, यहाँ जो उलमा उधर ही चले गए, तो हमारे ऊपर से बोझ खत्म हो गया। हम रास्ते में जो सोचते थे यार था ये जमा होंगे अगर 10-10 मिनट भी बयान के लिए देंगे तो सारी लागत, लेकिन अल्लाह ने कर्म किया, हुए अहम मसला था उसके लिए दारुण ने बुला लिया, दोनों चले गए। इस वक्त हमारे पास 50 उलमा मौजूद है हमारे इस मजलिस में, सबसे मोहम्मद बुजुर्ग हजरत माना गुलाब रसूल साहब है, 85 साल उनकी उम्र है, 40 साल से बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, हमारे मजाज वैद भी हैं, वो बहुत ही ज़ईफ हो गए हैं तो बेचारे चल भी नहीं पाते, 10 मिनट उनका बयान होगा। फिर माना नजीर अहमद साहब नदवीर अहमदुल्ला के नहीं रह गए, जिधर हकीकत इस तरबी मजलिस के बानी बबानी थे, तो उनकी जगह पर हजरत माना दाऊद साहब इस जमान नजीर के अहमान हैं, वो अपने कुछ तासुरात बयान करेंगे। फिर धनबाद की नुमाइंदगी माना इनायत करीम साहब कर ही चुके हैं, माना मोहम्मद सईद साहब इंशाअल्लाह 10-5 मिनट कुछ बयान करेंगे, और आखिर में हमारे कदीमी दोस्त मौलाना मोहम्मद सलमान बक्की साहब आए हुए हैं, जिन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ाया, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि कुछ बहुत बोल तो नहीं पाते बेचारे और मुख्तसर ही बोल पाते हैं, और जमाने से मक्का मुकल्लमा में रह रहे हैं, ये मस्जिदों में नमाज भी पढ़ाया, कारोबार भी किया। ये उसके बाद जनाब जमशेद जौहर साहब की एक नाज हुई, आप जमशेद जौहर की नाज सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मस्जिद अल्लाह का ये नया नेता बने, अब जो तो वादा करने कोई काम सुनने के खिलाफ नहीं करें, दुआ हो जाएगी क्योंकि हमारे बहुत से मेहमान बरौनी से, जो चराय से, भागलपुर से, कोटा से आए हैं, उन्हें वापस भी होना है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर ये सब हो जाए, ताकि इसी में बयान भी हो जाए, जिक्र भी हो जाए, दुआ भी हो जाए, तकरीर भी हो जाए, नाक भी हो जाए, और फिर हमारे मेहमान खाना खा करके इज्जत और एहतराम से चले जाए। एक ऐलान नहीं हो गया, सुकून समय के मजबे को खराब नंबर 2 ऐलान, दुबड़ा एक जगह है, वहां पर हर साल हमारे दो मस्जिदों में एक एक रोजा नसीब होती है, 1 जनवरी को 2 जनवरी को, हमने 3, 4, 5 जनवरी माना है, यहाँ करीम साहब को दे दिया है, अगर आप चाहें कोई जलसे वाले मदरसे वाले या नशिश करने वाले चाहें तो बोले। नंबर 3, बेगूसराय वाले आएंगे, बरौनी वाले आएंगे, बरौनी की जामा मस्जिद के लोग आएंगे, बड़ी तादाद में उनको वक्त दिया गया है, तो भैयों क्या दावत दिए गए उनको, पहली 2-1-2-3 मार्च बरौनी वाले कहाँ है, ये वक्त मिला है ना, पक्का है ना,
आगे मुझे मत कीजिएगा, मैं भी ले रहा हूँ। तरीका भी सीख लिया है आपने, देख लो उसको, दिल को दिया गया है बिहार और झारखंड और बंगाल के लिए, दिल को दिया गया है पहली 2-3 मार्च तीन रोजा में चार मिली वहां पर होगी। ये चंद छोटे बड़े ऐलान थे, उसके बाद हम दूसरी बात आगे अंदर कर सकते और बहुत मुख्तसर अंदाज में अर्ज करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत खराब है और एकदम हम इसी लायक बात को ऐसा लगा कि चांदी निकल जाएगी, इतनी खांसी। लेकिन बहरहाल थोड़ा आराम मिल गया तो सहूलत हो गई है। मैं बड़े अदब एहतराम से दो बात आपके अंदर दर्ज करना चाहता हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही तरीके से बात कहने की, आपको सुनने की, फिर उस सब पर हम सबको अमल करने की तौफीक बता सकता हूँ। बुजुर्गों, हमने बहुत से बुजुर्गों को देखा है, शायद इस मजमे में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ऐसे बुजुर्गों को देखा, बड़े बड़े अकाबिर को देखा। हुजूर जी मोहम्मद ढाका जिन्होंने जनरल इरशाद से मुकाबला किया था सदारत का, जब पे जनरल इरशाद उनसे बैठ और पीर से मुकाबला कर हार भी जीत भी गए, फिर जबरदस्ती हराया गया, पीर से मुकाबला करने का अंजाम क्या हुआ कि जनरल इरशाद को तख्त से उतारा गया और जेल की सराहों में डाल दिया। अपने शेख से मुखालिफत बोल मत, ये बहुत बड़ी सजा अल्लाह की तरफ से दिखती है कि जिससे तुमको दीन मिल रहा है, सुन्नत मिल रहा है, शरीयत मिल रही है, आलो मालदा मिल रहा है, तरबियत हो रही है, जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं, आखिरत बन रही है, रज़ा इलाही मिल रही है, तुम उसका मुकाबला करो और अब हम उनको एक हिस्सा समझें। हम में से बहुत लोगों ने देखा होगा, नाम सुना होगा हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया महाजन हिंदी का, इनकी तफ़सीर के साथ पढ़ते और रसूलुल्लाह हमारे नौजवान बच्चे खास कर सुनने ये बहुत भयंकर कौन है सब खैरा वो ठीक है, जैसे मदरसे वाले बच्चे हैं ना वो मदरसा ठीक है, ये ठीक है वो मदरसा वापस वो मदरसा तो बहुत ही अच्छा है। उसका नतीजा क्या होता है कि तलबा एक जगह बैठ के पढ़ते नहीं, एक साल यहाँ तो 2 साल वहाँ तो 6 साल वहाँ, तो उनकी इस्तेदाद नहीं बने। लेकिन जो तालिब ने एक ही मदरसे में अपने आप को खपा देता है वो वहां से कुछ पा सकता है, वहां से कुछ लेकर निकलता है। एक साल सहारनपुर में जो हजरत से आपको बड़ी मुद्दत कर दे, दिन रात मुद्दत कर दे, 24 घंटा मुद्दत कर दे, ताजी उपर मौजूद, राहुल मौजूद, मेहमान इतना मौजूद है, और सुनिए बात माफिया नहीं है, ये इबरत की बात है। और खासकर वो लोग जिनको इजाजत क्योंकि वो बहुत मजबूर है इसकी, इजाजत एक अमानत है अल्लाह की, बहुत बड़ी देव दौलत, अगर आप उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। और ये सिलसिला 18 साल का, कितने दिन भाई 18 साल, ये शेख ने उनको इजाजत और खिलाफत भी दी, उसकी 1-2 साल के बाद उनके दिमाग पर बिराज में तगयुर रहना शुरू हो गया, बाहर जो कुछ ऐसी सोबतें उनको मिली कुछ तगयुर आना शुरू हुआ, उसके बाद इस्लामी वालों का ताल्लुक हुआ, किसी से ताल्लुक हुआ तो शेख भी आना कम हो गया। तो शेख कहते हैं कि हमने सोचा कि जरा बीवी बच्चों वाला आदमी है, हो जाता है तो 4-10 दिन के बाद आ जाएगा, 10 दिन के बाद आए, कभी 5 दिन के बाद आए, कभी 8 दिन के बाद आए, कहते हमारे दिमाग में कुछ गया नहीं फिजूल किसी किस्म का, हिजरा से मेरा हो रहा है। याद रखना हिदायत अल्लाह के कब्जे में, लेकिन हिदायत जब भी मिलती है जब हिदायत के तालिब हो, उस वक्त उन्होंने महीनों के बाद आना शुरू किया, फिर उस वक्त उन्होंने एतराज करना शुरू कर दिया, एतराज पढ़ने लगा था, ये तो मुर्दा भी रहे लोग यहाँ आते हैं खुदा की तरह मानते हैं फला ढंका, ऐसे इतने इतने एतराज किए आखिरकार वो छूटे तो छूटा, इजाजत खिलाफत तो गई, बैठ तो गई, खुद उनका हाल ये हो गया था कि उनकी दाढ़ी तक कर गई, उनको जमा से बात नसीब थी। अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करने की जो पहली सजा मिलती है वो ये दीन छीन गया, हर हुदूद से बरी होना जरूरी नहीं है लेकिन अल्लाह वालों से अकीदत रखना ये जरूरी है। हो सकता है हमको मुनासिबत न हो इनसे, एक अलग सी बात, लेकिन अकीदत रखना मोहब्बत रखना कि इतने अंबिया इकराम अल्लाह दुनिया में जिंदा है सब हमारे महबूब है, ये चीज इंसान के ईमान में इजाफा करती है। आपसे सवाल करते हैं क्या सब मदरसे के तलबा होना बैठे हैं, सहाबा की तादाद कितनी रह जाती है, जोर से बोलो सहाबा की तादाद 1.25 लाख, 1.25 लाख रह जाती है ना भाई, 1 लाख 25 हजार, उसमें जो आप सवाल किए कितना मिल सकते
भगवान सोच हम ये लोग गिरा सकते हैं नहीं गिरा सकते लेकिन आपका अकीदा क्या है क्या अकीदा है हर सहाबी बराबर हर सहाबी हक पर है 124,000 अंबिया इकराम तशरीफ लाए आपको 25,000 26,000 का नाम नहीं मालूम लेकिन क्या अकीदा है आपका हर नबी जो दुनिया में आया चाहे उसका नाम हमें मालूम हो या ना मालूम हो सब अल्लाह के नबी है सबकी नबूवत पर बिराजमान इसलिए अकीदा रखना जरूरी है दुनिया में जितने भी लोग चाहे गिराम में चाहे हमको उनका नाम मालूम हो ना मालूम हो उनसे हमको उंस हो या ना हो सब हमारे लिए काबिल है तो फिर रहमत को खुदाबंदी के दरवाजे पर और जिस मरकज से आप फैज पा रहे हैं आपकी शनाख्त कर रही है आप समाज में पहचाने जा रहे हैं आपकी जिंदगी में नूरानियत और रूहानियत आ रही है वो जात जो है वो आपके लिए वो आपकी मोहसिन है उसको किसी एक रंग की सताना या उसको अजियत पहुंचाना ये दर हकीकत अपने दीन को नुकसान पहुंचाना उसकी मिसाल हम ऐसे समझाते हैं कि हमारी मदरसों में किताब पढ़ाई जाती है हिदायत उनके मुसन्निफ के बारे में लिखा हुआ है कि वो किसी गांव में है शायद हिदायत किसी गांव में है वहां के कुछ शागिर्द थे वहां के एक ऐसे शागिर्द थे बड़े आलिम थे उस तरह मोतबर आलिम तो कहते हर शख्स मिलने आया उनके जितने शागिर्द थे सब मिलने के लिए आए लेकिन वो जो उनका पुख्ता शागिर्द था वो नहीं आया मिलने तीन दिन के बाद जब उन बुजुर्ग वापस होने लगे उस्ताद भी आया नहीं है तो पूछा कि तुम नहीं आए मिलने तो कहा कि मेरी मानता है जईफ उनकी खिदमत की वजह से तो कहा भी ठीक है मां की खिदमत की वजह से तुमको जन्नत मिलेगी क्या मिलेगी लेकिन दुनिया में तुम इल्म की बरकत से महरूम रहो तुमने उस्ताद का अपना है तो आया तो आगे कहते थे हजरत हमारे साथ ये मजबूरी है कि हजरत इतने काम तो जिस शख्स में दो मरतबा है उस मरतबे को उसको रखना होगा हमारे हकीम अख्तर साहब के पाकिस्तान में शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खादिम हजरत अल्लाह हजरत खलीफा हजरत शाह अब्दुल गनी साहब को उन्होंने ऐसी खिदमत की जो कि तारीख में लिखी जाए ऐसी खिदमत यहां तक कि जब बूढ़े हो गए शाह अब्दुल गनी साहब 18 साल की उम्र में पकड़ा शाह अब्दुल गनी साहब को और जब शाह अब्दुल गनी साहब का इंतकाल किए हुए साथ में रहे यहां तक कि ऐसा माहौल हो गया एक वक्त ऐसा आया कि शाह अब्दुल गनी साहब की खिदमत हकीम साहब से नहीं हो पा रही तो ये पेशाब खाना हो जाए तो अपनी वालदा के पैर पर टोपी रख दिया उनके बारे में इंतकाल हो चुका था बहुत पहले अपनी मां के पैर पर टोपी रख दिया मां आज हमको बाप से महरूम मत कर अरे बाप हम आज एक मेरा बाप तो चला गया इस बात से हमको महरूम मत कर तो हमारे शहर से निकाह कर लो तुमको एक शबर मिल जाएगा उनको एक बीवी मिल जाएगी बहुत सी ऐसी जिंदगी जो हम नहीं कर सकती हम नहीं कर सकते मां आज होते मेरी भी जन्नत बन जाएगी तेरी भी जन्नत बन मां ने कहा बेटा मेरी उम्र 65 साल की है हजरत की उम्र 70 साल की है मैं कुछ सही बोलता की मत कर सकूंगा कहा मां आप सिर्फ कबूल कर लीजिएगा अब उनका कपड़ा सिला सकती है अब उनकी लुंगी उतार सकती है अब उनको कपड़े को पहना सकती है यही खिदमत हमको ले तैयार हो गई अपनी मां का निकाह चलाया उन्होंने शाह अब्दुल गनी साहब से खिदमत दुनिया अल्लाह ताला ने उनको शाह अब्दुल साहब हर कोई भी ऊंचा मकाम अदा किया पूरी दुनिया में उनको बड़ी दी 5,000 उनको बुलवाया 5,000 उनके एक मुरीद थे उनका नाम था मजहर साहब उनके कहते थे कोई नाम मजहर साहब वो नहीं तो उन पर बहुत एतराज करते थे फिर लगा लेते हैं जमा लगा लेती है तकरीरें करते हैं हिरी मुरीदी कर रहे हैं खाने कमाने को जरिया बना लिया है तो सुनने के मुताबिक हकीम साहब ने 3 मरतबा उनको समझाया कि देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं कर पा हमारे बुजुर्गों ने हमें इजाजत दिया है तो हम कर लेंगे खिदमत समझ करके उनके हुक्म के मुताबिक देखिए वो नहीं माने अच्छा हकीम साहब की जुबान से निकल गया कि अल्लाह अगर आपकी जुबान से पैर बैठ जाए अचानक जुबान से निकल गया वहां से उठे और सड़क के सिरे को अल्लाह आप पहले हो गए ये होता है आहिर बुजुर्गों का कि न हो सके ये जो कहा जाता है कि उलमा का उलमा की कीमत मत करो इनका गोश जहरीला होता है इनकी कीमत करने वाला जो सबसे बड़ी नेमत से महरूम होता है वो दीन से महरूम अपने इमामों की कीमत मत करो जहां वो पैर रखता है वहां तुम सर रखते हो उसका एहतराम बाकी नहीं रखोगे तो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी जिस
کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت پر جب وبال آئے گا تو سب سے پہلے علماء کا احترام دلوں سے بھرا ہے, علماء کو گالیاں دی جائیں گی, غیبتیں کی جائیں گی, ان کی چغلیاں لگائی جائیں گی, ان کو بےعزت و رسوا کیا جائے گا, تو دین باقی نہیں رہے گا. آج ثناء اللہ باری بندی نے کیا لکھا ہے, توحید معظم کفر ہے, معظم کو تبلیغ کرنے والا کافر ہے. تو کہ وہ صبح کو اٹھ کر ندا لگاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے, تم بستر کو بڑا سمجھ رہے, اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ جو کہلانے کی گلا لگاتا ہے, جو ہاتھ لگاتا ہے, وہ جو چیز ہماری امت سے ختم ہوگی وہ پہلی چیز ہے احترام, علماء کا احترام, مشائخ کا احترام, والدین کا احترام, دین کا احترام, مساجد کے امامان و مؤذنین کا احترام, یہ ختم ہو رہا اور ختم ہو رہا ہے. اس سے آپ کو بچنا ہے. آپ دلی بھر رہا مت پڑھ لیجیے, علماء کی توحید در حقیقت علم کی تدبیر ہے, حافظ قرآن کی تدبیر در حقیقت قرآن کی تدبیر ہے. آج والدین پر محسوس کر لیجیے کہ دو بچے ہیں, آپ کو بچوں کو ملیے, اے بچے کو کسی مدرسے میں ڈال دیجیے پڑھنے, وہی آپ کسی استاد کو بنا کر اپنے گھر میں ٹیوشن پڑھوائیے, مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ اپنے استاد کی عزت کرے گا, لیکن ٹیوشن پر پڑھنے والا بچہ اپنے استاد کی عزت نہیں کرے گا. یہ میرے استاد ہے, یہ کہے گا یہ میرے ٹیوٹر ہے, یعنی ہم پیسہ دیتے ہیں ان کو پڑھا دیں, وہاں معلومات آ رہی ہے, علم نہیں آ رہا, یہاں علم آ رہا ہے. ہم رائے پور گئے تھے, زمانے پر تھوڑا تکلیف تھی, پر ٹیوٹر آ رہی ہوئے تھے, مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, وہاں جو اس کو سجادہ رسی ہیں, ہم نے کہا کہ بھائی مسجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر جاتے ہیں, اور نکالے تو کہ کار لے کر جاؤ مسجد کے پیٹ پر لگا دو, وہاں ایک بوڑھے آدمی کھڑے تھے, یا ہم نے